देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों के नवनिर्मित फ्लैटों का किया उद्घाटन, कहा समस्या टालने से नहीं समाधान से होती है समाप्त। बिहार विधानसभा की हुई हंगामेदार शुरुआत, AIMIM विधायक ने हिंदुस्तान शब्द बोलने पर जताई आपत्ति। भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता की मौत के मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान, कहा श्रमिकों की हत्या के मामले में सरकार की भूमिका संदिग्ध। संतान और परिवार के सुख समृद्धि की कामना के लिए मनाई गई आंवला नवमी, महिलाओं ने पेड़ की परिक्रमा करके बांधा रक्षा सूत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद सदस्यों के लिए नवनिर्मित फ्लैट्स का उद्घाटन किया। ये फ्लैट नई दिल्ली के लुटियन जोन में डॉक्टर बीडी मार्ग पर बने हैं। उन्होंने गंगा यमुना और सरस्वती नाम से बने इन टावर्स में रहने वाले सांसदों के बेहतर कल और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। सांसदों के लिए फ्लैट्स निर्माण का काम 27 माह में पूरा हुआ। इस पर अनुमान से 30 करोड़ रुपए की कम लागत आई है। इन पर 14% खर्च कम हुआ है। बता दें कि सांसदों को लुटियन जोन में आवास मुहैया कराने के लिए गंगा यमुना और सरस्वती के नाम से 3 टावर में 76 फ्लैट्स बनाए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दशकों से चली आ रही समस्याएं टालने से नहीं बल्कि उनका समाधान खोजने से समाप्त होती हैं। बीडी रोड पर भी ये 3 टावर आवंटन के लिए तैयार है। मेरी कामना है कि गंगा, यमुना और सरस्वती इन 3 टावरों का संगम, इसमें रहने वाले जनप्रतिनिधियों को हमेशा स्वस्थ रखे, कार्यरत रखे और संतोषी बनाए। इन फ्लैट्स में हर वो सुविधा दी गई है जो सांसदों को अपने दायित्व के निर्वहन में मदद करेगी। बिहार की नवगठित 17वीं विधानसभा की शुरुआत हंगामेदार रही। पहले दिन सभी नए विधायकों को शपथ दिलवाई गई। इसी दौरान AIMIM के एक विधायक ने शपथ लेने के दौरान शपथ पत्र में लिखे हिंदुस्तान शब्द को लेकर आपत्ति जाहिर की और इसकी बजाय भारत पढ़ा। दूसरी तरफ वैशाली में एक युवती को जिंदा जलाने वाले मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी से मुलाकात की। 5 दिनों तक ये सत्र 27 नवम्बर तक चलेगा। कांग्रेस ने पेशेवर सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता 2020 के प्रावधानों को श्रमिक विरोधी बताया है। पार्टी ने कहा कि सरकार को इन पर पुनर्विचार करना चाहिए, सभी श्रमिक संगठनों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ये दावा किया कि इन नियमों के लागू होने से आर्थिक गुलामी की व्यवस्था बन जाएगी और इससे संगठित क्षेत्र में करीब 41 लाख लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने गरीबों और कमजोरों के शोषण को कम करने की बजाय उनके दमन का खुला लाइसेंस दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। नवंबर में कोविड-19 के मामलों में तेजी आने के बाद से कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और असम सरकारों से वहां की ताजा स्थिति के संबंध में हलफनामा मांगा है। न्यायाधीश अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने कोविड-19 की स्थिति को खराब करने के लिए गुजरात और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को रिपोर्ट पेश करने को कहा है, जिसमें संक्रमण को रोकने के लिए उनके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों व केंद्र सरकार से वांछित मदद की जानकारी देनी होगी। ड्रग्स मामले में कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को कोर्ट से राहत मिली है। मुंबई की कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी के अगले दिन उन्हें जमानत दे दी है। इससे पहले मुंबई की एक अदालत ने कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने घर से गांजा बरामद होने पर उन दोनों को गिरफ्तार किया था। देश की पहली स्वदेशी मिसाइल अस्त्र का परीक्षण देश के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस से किया जाएगा।
दरअसल लद्दाख सीमा पर चीन से बढ़ते तनाव के बीच भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। इसके मद्देनजर भारतीय सेना के लड़ाकू विमानों की मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। इसके मद्देनजर फ्रांस से भी लगातार राफेल मंगाए जा रहे हैं और उन्हें सीमा पर तैनात किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र ध्वनि की गति से 4 गुना तेज है। फिलहाल इसे तेजस से जोड़ दिया गया है और इसका ग्राउंड ट्रायल पूरा हो चुका है। भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता के मौत के मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान आया है। पूनिया ने कहा है कि भारतीय मजदूर संघ से जुड़े श्रमिकों की हत्या, आए दिन होने वाले हमले निश्चित रूप से किसी राजनीतिक साजिश को दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इन पर तुरंत कार्रवाई नहीं करती है तो संगठन की मांगे स्वीकार कर उन्हें सुरक्षा नहीं देती है तो इसमें सरकार की भूमिका संदिग्ध है। प्रदेश में आज आंवला नवमी मनाई गई। महिलाओं ने आंवले के पेड़ सहित भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। महिलाओं ने सुबह स्नान करके आंवले के पेड़ के आसपास का क्षेत्र साफ कर पेड़ के तने को जल चढ़ाया। इसके बाद कच्चा दूध, हल्दी व रोली लगाई, तने में कच्चा सूत और मोली बांधकर 8 परिक्रमा करते हुए पेड़ पर लपेटा और कथा सुनी, परिवार और संतान की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिरों में भी महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सामूहिक आंवला पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और भगवान को आंवले समर्पित किए। गोविंदगढ़ के बलेखंड की गौलीला गौशाला में गोपाष्टमी के दिन गायों को हरा चारा खिलाया गया। इस अवसर पर गोविंदगढ़ डिप्टी संदीप सारस्वत के मुख्य आतिथ्य में गायों को चुनरी उड़ाकर उनकी पूजा अर्चना की गई। डिप्टी सारस्वत ने कहा कि हिंदू धर्म में गाय को माता मानकर पूजा की जाती है, जो कि सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा कोई सेवा नहीं है। गौ लीला गौशाला के संचालक गौ सेवक मुकेश सौकिल ने बताया कि गौशाला में बेसहारा, विकलांग और दुर्घटना में घायल गायों की देखभाल की जाती है। इस अवसर पर अनेक साधु संत सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।